पुरानी रंजिश में डबल मर्डर, प्रधान पति सहित दूसरे पक्ष के व्यक्ति की भी मौत, दोनों ओर से हुई थी फायरिंग। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के अहमदनगर जागीर गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब सरेआम दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसमें एक पक्ष के प्रधान पति शहादत अली की मौत हो गई, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया है। गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल में भी हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस अफसरों ने मौके मुआयना किया, साथ ही जिला अस्पताल में भी डेरा जमा लिया। आज एक युवक अपनी दुकान से बंद करके जा रहा था, तो रास्ते में दूसरे युवक के साथ में झगड़ा हुआ। उसी दौरान दोनों के घर वाले आ गए, जिसमें फायरिंग हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों के एक एक व्यक्ति की डेथ हो गई, अर्थात दो मर्डर हो गए हैं। अभी घटनास्थल पर शांति है, किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो विधिक कार्रवाई है उसको संपन्न कर रहे हैं। तो मौके पर भी शांति व्यवस्था बनी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और दोनों ही पक्षों से एक एक की डेथ।